हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। ये कुछ क्वेश्चन रिपीटेड किए गए हैं सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में। ये आपका नर्सिंग एजुकेशन की एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन लिया गया है, जो सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये आपका एमपी ग्रुप 5 के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, एंड आपका यूपी यूएमएस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अभी आपका नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाली है, एंड एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स की जो वैकेंसियां आ चुकी हैं उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में आपका ऑल ओवर स्टेट के जितने भी वैकेंसियां आ रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल या परमानेंट वैकेंसियां, सभी में नर्सिंग एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, देखेंगे एन एजुकेशनल फिलोसॉफी डाइट स्टेट्स डाइट अल्टीमेट्स रियलिटी इज स्पिरिचुअल रेदर देन फिजिकल मेंटल और मेटेरियल। यहाँ पे पूछा गया कि एन एजुकेशनल फिलोसॉफी डैट स्टेट्स डैट अल्टीमेट्स रियलिटी इज, तो यहाँ पे देखिए एजुकेशनल फिलोसॉफी डैट स्टेट द अल्टीमेट रियलिटी पूछा, स्पिरिचुअल रेदर देन फिजिकल मेंटल और मटेरियल। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर आपका, आइडियलिज्म या रियलिज्म या प्रेगमेटिज्म या नेचुरलिज्म। चार ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसमें आइडियलिज्म आएगा, क्या आएगा, आइडियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन कंसिडरिंग फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन जॉन देखिएगा देवी वॉज या प्रोपोनेंट ऑफ। तो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें से, व्हेन कंसिडरिंग किसका पूछा है, फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का, ठीक है ना, एजुकेशन का फिलोसॉफी, जॉन डेवी वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ एक्सिस्टेंशियल एलिज्म एंड प्रेगमेटिज्म एंड आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर आपका, तो ऑप्शन बी आएगा देखिएगा, प्रेगमेटिज्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रेगमेटिज्म फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन एक्सपोंडेड बाय द किसके द्वारा, अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स एंड जॉन डेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हू स्टेटेड एजुकेशन इज नॉट या प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ये क्वेश्चन में आपका पूछा गया डियर, हु आर स्टेटेड एजुकेशन इज नॉट या प्रिपरेशन फॉर लाइफ, यानी कि किसके द्वारा कहा गया कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, तो एजुकेशन इज इट लाइफ इटसेल्फ, शिक्षा ही जीवन है, तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, या फिर देखिएगा बेरट्रेंड रसेल, या फिर हेलेन केलर या जॉन डेवरी। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर आपका, ऑप्शन डी आएगा, जॉन डेवरी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जॉन डेवरी। ऑप्शन डी डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलोसॉफी स्टैंड्स फॉर, तो आपका लव फॉर विजडम या सोशल डिसिप्लिन या ऑल टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज या पॉलिटिकल इंटेग्रिटी या पॉलिटिकल इंटेग्रिटी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, लव फॉर विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट में आपका यहाँ पे रैशनल दिया गया, इसके अंदर में द मीनिंग ऑफ वर्ड फिलोसॉफी का मतलब, फिलोस मीन्स लविंग एंड सोफिया मीन्स क्या है, विजडम। सोफिया मीन्स विजडम मीन्स लव ऑफ नॉलेज एंड विजडम मीन्स लव ऑफ नॉलेज एंड विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इनेबल एंड इंडिविजुअल फॉर, एजुकेशन इनेबल एंड इंडिविजुअल्स फॉर, तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका, देखिएगा चार ऑप्शन दिया गया है इसमें, एजुकेशन इनेबल एंड इंडिविजुअल फॉर, शिक्षा एक व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाती है, क्या बना, इम्पार्टिंग नॉलेज, गिविंग एडवाइस, गिविंग इंफॉर्मेशन या कॉजिंग लर्निंग, या कॉजिंग लर्निंग। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, इम्पार्टिंग नॉलेज, इम्पार्टिंग क्या, नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, एजुकेशन इज प्रोसेस, देखिएगा यहाँ पे प्रोसेस एंड चीफ गोल ऑफ विच इज टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन, यहाँ पे देखा जाए
यहाँ पे पूछा गया शिक्षा एक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन इज अ प्रोसेस और इसका मुख्य लक्ष्य इसमें बदलाव लाना है, इसमें बदलाव लाना है, क्योंकि विच इज टू ब्रिंग अबाउट क्या है, चेंज इन, चेंज इन, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा डियर, ऑप्शन ए में है सोसाइटल नीड्स, बी में इंस्टीट्यूशनल गोल्स, सी में ह्यूमन बिहेवियर एंड डी में है इवोल्यूशन सिस्टम। डी में क्या है आपके पास, इवोल्यूशन सिस्टम। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द एम ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन का क्या एम, क्या लक्ष्य होगा, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, वोकेशन एम होगा या ऑल ऑफ दी एबव होगा, या ऑल ऑफ दी एबव होगा राइट आंसर डियर। तो ऑप्शन सी आएगा इसमें राइट, यानी कि वोकेशन एम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए द एम ऑफ नर्सिंग एजुकेशन आर नर्सिंग मैन पावर डेवलपमेंट, नॉलेज एम, लीडरशिप एम, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नर्सिंग रिसर्च एंड डेमोक्रेटिक आपका सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। चार यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एजुकेशन मीन्स, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इसका शब्द क्या है, टू ब्रिंग चेंजेस, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस, टू ब्रिंग नेगेटिव चेंजेस या टू ब्रिंग सम चेंजेस। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ऑप्शन बी आएगा, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रेंड इज, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ किसका, ट्रेंड का पूछा है, द न्यू चेंजेस, चेंजेस इन स्पेसिफिक डायरेक्शंस, न्यू डेवलपमेंट, नेगेटिव चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, चेंज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, चेंज इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखा जाए इसमें स्पिरिचुअल ट्रेंड्स टू डू नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन विच प्रैक्टिस, इफेक्ट ऑन विच प्रैक्टिस। तो देखिएगा स्पिरिचुअल ट्रेंड्स, इसमें चार ऑप्शन दिया गया, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, स्पिरिचुअल ट्रेंड्स, देखिएगा यहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रेंड्स टू डू नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन विच प्रैक्टिस, यानी कि आध्यात्मिक प्रवृत्तियां किस अभ्यास पर प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है, प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है, एजुकेशनल प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस और सोशल प्रैक्टिस। तो राइट आंसर इसमें बी आएगा, नर्सिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मॉडर्न ट्रेंड, देखिएगा यहाँ पे मॉडर्न ट्रेंड इन नर्सिंग एजुकेशन इम्फोसाइज ऑन, इम्फोसाइज ऑन, यानी कि नर्सिंग शिक्षा में आधुनिक रुझान इस पर जोर दे रहे हैं, किस पर, लर्निंग बाय प्रैक्टिकल पर, या लर्निंग बाय डूइंग, या लर्निंग बाय एक्सपोजर, या फिर लर्निंग बाय थियोरेटिकल। तो इसमें देखिएगा मॉडर्न ट्रेंड इन नर्सिंग एजुकेशन किस पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ऑप्शन बी होगा, लर्निंग बाय डूइंग, क्या आप सीख सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं सीखकर, है ना। तो इस पे ध्यान दिया जा रहा है, किस पे दिया जा रहा है आपका, लर्निंग बाय डूइंग, करके सिखाना, आपको लर्न करना पहले, उसके बाद क्या करना है, सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ पावर ऑफ नॉलेज और नॉलेज ऑब्टेन्ड, इट इज अ पावर ऑफ नॉलेज और इट इज पावर ऑफ नोइंग, ठीक है ना, सॉरी, यहाँ पे नोइंग और नॉलेज ऑब्टेन विदाउट रिसोर्सेस टू इंटरफेरेंस और रीजनिंग इज कॉल्ड। देखिए डियर, आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटांग लग रहा होगा, क्योंकि देखिए ओबीजी में एमएसएनस हो गया आपका, पीडियाट्रिक हो गया आपका, एफओएन हो गया, ये सब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है उसमें। तो ये जो आपका एजुकेशन हो गया, रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, थोड़ा बोरिंग सी लगेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन इससे पूछेगा डियर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको पूरी क्वेश्चंस को देखना है, यही सारे क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनका भी अभी रिसेंट में एग्जाम है, या फिर नॉर्सेट का एग्जाम कैंसिल जो हो चुका है उसके फिर से नॉर्सेट के एग्जाम हो गया, फिर जो सितंबर में एग्जाम होने वाली है वो जून में लेगा या क्या लेगा, वो डिसीजन लिया जाएगा, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा डियर, देखिएगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि यह अनुमान या तर्क के संसाधन के बिना प्राप्त जानने या ज्ञान की शक्ति है जिसे कहा जाता है, जिसे कहा जाता है, ट्रेडिशन कहा जाता है, इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा, एक्सपीरियंस कहा जाएगा, या अवेलेबल फैक्ट कहा जाएगा। तो देखिए, जिसको प्राप्त होता है कोई भी चीज, आप डिग्री ले लेते हैं उसका भाई एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जैसे कहीं भी फॉर्म फिल कर लेकर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, तो ये आपका एक्सपीरियंस है जिसमें आपको क्या हो रहा है, उसमें आप ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं अपने आप में सीखने के बाद। तो राइट आंसर इसमें क्या हो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वेल नोन मैक्सिमम ऑफ टीचिंग इज प्रोड्यूस प्रोसीड फ्रॉम, शिक्षण का प्रसिद्ध मैक्सिमम कहाँ से आगे बढ़ना है, मैक्सिमम कहाँ से आगे बढ़ना है। तो देखिए, कॉन्करेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट या डेफिनेट टू आइडेंटिफिनिट इनडिफिनिट,
एंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल या ऑल ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन इसमें ये आएगा, यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग आर फ्रॉम नोन टू अननोन, प्रोसीड फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट और फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कंसेप्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम आइडेंटिटी देखिएगा आइडेंटिफिनिट टू डेफिनिट, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल एंड फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ये आपका दिया गया, जिसमें से आपका राइट आंसर क्या है, इसमें कंट्रेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे पूछा गया, जिसमें से वेल नॉन मैक्सिमम टीचिंग प्रोसीड फ्रॉम, तो यहाँ पे कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया। देखिए फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्सिमम्स ऑफ टीचिंग एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट में आ गया दिया, जिसमें से एक आपका छोड़कर होगा। द प्रोसीड फ्रॉम सिंपलेक्स टू कॉम्प्लेक्स, प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर जो हम लोग देख चुके हैं, प्रोसीड फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू एब्स्ट्रैक्ट एंड प्रोसीड फ्रॉम आपका इनडिफिनिट टू डेफिनिट। तो हम लोग कौन कौन सा पढ़े हैं इसमें देख लेते हैं एक बार, कि देखिए आपको नॉन टू अननोन है, और आपका इजी टू डिफिकल्ट है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है, इनडिफिनिट टू डिफिनिट है, पार्टिकुलर टू जनरल है, ठीक है ना। जिसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसमें नहीं मिल रहा है, बाद बाकी देखिए इसमें राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन बी जनरल टू पार्टिकुलर, यहाँ पे जनरल टू पार्टिकुलर ऑप्शन नहीं है, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, इसमें राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। देखिए यहाँ पे दिया जो गया है पार्टिकुलर टू जनरल, यहाँ पे क्या जनरल टू पार्टिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे जो लिया लिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड देखिएगा एन इफेक्टिव टीचिंग मींस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एन इफेक्टिव टीचिंग इसके मींस क्या होगा, सभी के सभी इसमें से एक को छोड़कर होगा, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा देखिएगा, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित सभी को छोड़कर क्या होगा, आ टीचर टीचर्स विद देखिएगा एसोसिएशन, आ टीचर पुट्स एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल, एंड आ टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स, या फिर आ टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंड रेदर देन कंप्लीटिंग द कोर्स। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि एक प्रभावी शिक्षण का अर्थ निम्नलिखित में से छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव टीचिंग मीन्स पूछा है, एक्सेप्ट राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन सी आएगा, या टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट द टीचर मस्ट यूज, क्या यूज करेगा टीचिंग एड्स, क्या यूज करेगा टीचिंग एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्शन ऑफ द एसेंशियल फीचर ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन इज कॉल्ड, अ रियल लाइफ सिचुएशन इज कॉल्ड, यहाँ पे पूछा गया कि वास्तविक जीवन की स्थिति के आवश्यक विशेषताओं के प्रजनन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आएगा इसमें सिमल्टेनियस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा सिमल्टेनियस इज एन एप्रोक्सीमेट इमिटेशन ऑन द ऑफ या प्रोसेस और सिस्टम, द मॉडल इज वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिमिलर सब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट इट्स की करेक्टरिस्टिक्स, सिमिलटेंस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू टीच क्लिनिकल स्किल्स फॉर नर्सिंग स्टूडेंट, टू टीच किसका क्लिनिकल, आपका क्लिनिकल स्किल्स फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल वन वे होगा, ऑडियो विजुअल टू वे होगा, या विजुअल टू वे होगा, तो राइट आंसर इसमें देखिएगा डियर ऑप्शन सी आएगा, ऑडियो विजुअल टू वे। यहाँ पे देखा जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स टू कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट एंड डिफरेंट साइट बाय यूजिंग नेटवर्क टू ट्रांसमिट ऑडियो वीडियो डाटा, सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एन ऑडियो विजुअल टू वे टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग होता है, टू वे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया जो भी आपका पार्टिसिपेंट होगा डिफरेंट साइट बाय यूजिंग नेटवर्क्स टू ट्रांसमिट ऑडियो वीडियो डाटा, जो भी आपका नेटवर्किंग से ऑडियो या वीडियो डाटा देता है, तो ये आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका वन फॉर्म ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन फ्रॉम फॉर हेल्थ एजुकेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन पूछा किसका, हेल्थ एजुकेशन का, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए ग्राफिक प्रस्तुति का एक रूप है, तो नोटिस बोर्ड, चार्ट्स हो गया,
पोस्टर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, बी आएगा चार्ट्स, जो कि आपका चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन विच द डाटा आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स सच एज बार इन बार चार्ट, देखिए अगर लाइन इन या लाइन चार्ट, या फिर स्लिप्स इज या पाई चार्ट, एंड आपका पोस्टर कंसिस्ट आपका टेक्सुअल एंड ग्राफिक एलिमेंट्स, इमेजेस विच डिजाइन टू बी आई कैचिंग एंड इंफॉर्मेटिव, आई कैचिंग एंड इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट मेथड टू टीच या पेशेंट एनी स्किल्स, बेस्ट मेथड पूछा दिया, बेस्ट मेथड पूछा गया है एक रोगी को किसी भी कौशल को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे कि इनहेलर का उपयोग करना निम्नलिखित द्वारा है, तो यहाँ पे सच एज यूजिंग इनहेलर, इनहेलर के बारे में पूछा है, तो कौन सा आपका मेथड होगा जो सही होगा इनहेलर के लिए बताइएगा, तो आपका लेक्चर या डेमोन्स्ट्रेशन या डिस्कशन या पनेल, तो राइट आंसर इसमें डेमोन्स्ट्रेशन होगा। द बेस्ट इज या पेशेंट एनी स्किल्स इज बाय डूइंग एंड शोइंग द थिंग्स, तो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसीजर द वे टीचर एक्सपेक्ट्स डाय लर्नर टू प्रैक्टिस, क्या एक्सपेक्ट द लर्नर टू प्रैक्टिस, सबसे अच्छा कौन सा होता है आपका सीखने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ, यूनिट प्लानिंग प्रोवाइड साउंड बेसिस ऑफ, साउंड बेसिस ऑफ, यहाँ पे इकाई नियोजन किसके लिए ठोस आधार प्रदान करता है, किसके लिए ठोस आधार प्रदान करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा इवोल्यूशन। Unit planning may be defined as comprehensive activity series of the related content and meaningful educational so developed as to achieve people's purpose, provide significant educational experience which result in appropriate behavior that changes its provide basis of evaluation. इसमें क्या होगा, basis of evaluations. Next question देखिए यहाँ पे दिया गया है, the educational assessment that is generally carried out throughout your course or project is known as, प्रोजेक्ट इज ऑन इज, राइट आंसर इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, क्या होगा, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ असेसमेंट वेयर द आउटकम इज इवैल्यूएटेड एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर इज, एंड ऑफ एकेडमिक ईयर इज, एकेडमिक ईयर इज, राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि समेरेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, समेरेटिव इवैल्यूएशन में क्या है, द आउटकम इज इवैल्यूएटेड एट द एंड ऑफ ईयर सर्टिफाइड इवैल्यूएशन डिजाइन टू डेवलप कम, देखिएगा कम्पिटमेंट पर्सनल फ्रॉम प्रैक्टिस, फॉर्मेटिव में क्या है, प्रोसेस इवैल्यूएशन जो होगा फॉर स्टूडेंट थ्रू द कोर्सेज का, क्लास टेस्ट हो गया आपका, पेरियोडिकल इवैल्यूएशन में वीकली एंड मंथली इवैल्यूएशन हो गया, देन प्रोग्राम इवैल्यूएशन में सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ आउटकम्स ऑफ द प्रोग्राम और पॉलिसी, तो यहाँ पे समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर में आपका वही है, आउटकम इज इवैल्यूएटेड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, द राइट आंसर ऑप्शन ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन इंडिया द फर्स्ट फोर ईयर बेसिक बैचलर डिग्री नर्सिंग प्रोग्राम वॉज इस्टेब्लिश इन, कब किया गया था, तो ऑप्शन सी आएगा 1946, कब क्या होगा 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस वॉज एस्टेब्लिश इन द ईयर, तो ऑप्शन बी आएगा 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, जेनेवा और स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द फर्स्ट एमएससी नर्सिंग प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन रैक कॉलेज इन द ईयर, तो इसका क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, एक क्वेश्चन में डेली देती हूँ डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द कॉग्निटिव डोमेन इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू, राइट आंसर इसमें नॉलेज आया, ये देखिएगा लास्ट क्वेश्चन था इसलिए, क्योंकि यहाँ पर रैशनल दी गई थी इसलिए मैंने इसी का क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया गया, कि आपका इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, एंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी डियर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं डेली तभी आप लोग के लिए मेहनत कर पाऊंगी जब आपके एक कमेंट आएंगे प्यारा सा, एक लाइक होगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपकी तरफ से, तो मैं और अच्छे से ऐसे कंटेंट लेकर आऊंगी ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगी, तो आप लोग को एक बार कमेंट जरूर करना है, छोटा ही कमेंट कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, लेकिन जरूर करें। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है डियर ऑप्शन सी राइट आंसर है, देर आर थ्री डोमेन होता है ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव डाइट आर कॉग्निटिव, आपका कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव, कॉग्निटिव डोमेन में आपका इट इज डिफरेंट लेवल लाइक नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन एप्लीकेशन एनालिसिस सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, साइकोमोटर डोमेन में रिलेटेड टू स्किल्स थ्री लेवल आर इमिटेशन कंट्रोल एंड ऑटोमेटिज्म, एंड अफेक्टिव डोमेन में डीलिंग विद इमोशंस और फीलिंग बिहेवियर थ्री लेवल आर अटेंशन रिस्पॉन्स एंड आपका इंटर नलाइजेशन, तो ये सारे आपका दिया गया क्वेश्चन जो थे आज आपका इसमें नर्सिंग एजुकेशन का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट इसमें और होंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे डियर। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।